वेलकम टू माय चैनल तो आज के टैरो रीडिंग या कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है देयर सीक्रेट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू उनके किस तरीके की फीलिंग्स हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपके बारे में किस तरीके की फीलिंग्स को वो रखते हैं जो आपको वो नहीं बताते हैं ये पर्सन जो है वो आपके हेयर की हेयर की परफ्यूम या आपके जो परफ्यूम आप लगाते हो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं जो भी उनका जेंडर हो ये आपके आसपास ही रहते हैं आपके नेबर हो सकते हैं आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं आपकी कॉलोनी में हो सकते हैं या जिस सेक्टर में या जिस जगह पे आप रहते हो उसमें आप एक दूसरे को जानते हो जैसे कि ग्रॉसरी लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आप दोनों का सामना हो गया ऐसे नहीं कि एज ए फ्रेंड कह सकते हैं लेकिन हाँ आप एक दूसरे को पहचानते हो काफ़ी ज़्यादा जो है आप दोनों में डिफरेंसेस हैं डिफरेंसेस इस चीज़ के कि आपका बैकग्राउंड उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है आपका कल्चर अलग हो सकता है आप किसी और स्टेट से हो सकते हो आपकी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है जैसे कि अगर आप एक इंडियन हैं तो आप एक नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन की जो लैंग्वेज में फ़र्क होता है वो वाली सिचुएशन है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में ह्यूमैनिटी नहीं है दोनों में ही ह्यूमानिटी है हेलो हाय ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती होगी या बाय फेस टू फेस आप लोग पहचानते हो लेकिन आपने कभी बातचीत नहीं करी है जो आप लोगों के आइडियाज हैं वो काफी हद तक सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ या कह सकते हैं कि जो आपका दुनिया को देखने का नजरिया है वो सेम है तो आपका वैल्यू सिस्टम सेम है आपका बिलीफ सिस्टम सेम है लेकिन कल्चर या रिलीजन या जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं एथनीसिटी का वो डिफरेंस हो सकते हैं लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है खाने की चीजों का डिफरेंस हो सकता है ये पसंद आपको पसंद करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिकली ये सोच रहे हैं आपके बारे में पहले दिन से ही ऐसा नहीं है लेकिन हाँ आपको पसंद करते हैं आपको एक गुड गर्ल या गुड बॉय की तरीके से देखते हैं तो एक समझदार मेच्योर और एक जो और होता है इंसान का या पर्सनैलिटी का कि हाँ आप एक जो है एक अच्छे इंसान हो एक अच्छे ह्यूमन बींग हो उस तरीके से पहले वो आपको देखेंगे ये पर्सन जो है जैसे मैंने कहा कि ग्रोसरी लेने जा रहे हो या दूध लेने जा रहे हो जो नॉर्मल डेली नीड्स होती हैं दूध है ब्रेड है, है कुछ और चीज है अंडे लेने जा रहे हो कुछ भी है तो वहां पे जो है आप दोनों का एक दूसरे से जो है बातचीत होगी और वहां पे हो सकता है कि कोई शॉपकीपर है या सुपरमार्केट है या कुछ भी है तो वहां पर जो है आप दोनों जैसे पैसे को एक्सचेंज करो कुछ इस तरीके से तो आप एक दूसरे को थैंक यू बोलोगे तो वो जो एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है कि हाँ मैं आपको देखता हूँ वहां पे जो है आप रहते हो या रहती हो तो हाँ हम नए आए हैं कुछ ऐसा चीज है तो एक जो है इस तरीके से बोलेगा या बोलेगी तो आप दोनों में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी ये बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगा लेकिन आप में कॉन्वर्जेशन रहेगी और ऐसा नहीं था कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं थी लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा कि एक अच्छे इंसान की तरीके से पहले आपको समझते थे उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आप लोगों में फीलिंग्स या इमोशंस जो है वो आप लोग फील करोगे तो इस तरीके की सिचुएशन है ये बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं या इनको जो पसंद है एक्टिंग करना ये नहीं है कि वो कैरियर में ही हो जरूरी नहीं है कि उनका कैरियर एक्टिंग प्रोफेशन हो लेकिन इन्हें पसंद होगा तो ड्रामा करना या जैसे थिएटर करना या फिर जो है कभी बचपन में जैसे होता था कि आ, क्या बोलते हैं एनुअल प्रोग्राम हो गए तो वहाँ पे जो है करना तो वो जो है आपको इस तरीके से बताएंगे या एक इंसान जो है वो टाइकॉन्डो जानता है कुछ इस तरीके कोई एक स्पेशल जो है इनकी क्वालिटी होगी चाहे गर्ल है चाहे बॉय है तो वो जो है उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को जानोगे पहचानोगे और हो सकता है वो सीखने की भी कोशिश करें तो उस चीज़ में जो है जो एक कॉमन इंटरेस्ट है उससे आप लोगों की बातचीत होगी और धीरे धीरे जो है वो फीलिंग्स डेवलप होंगी एज ए फ्रेंडशिप या एज ए जैसे नेबर होते हैं हमारे ठीक है बहुत लोगों के जो है नेबर से नहीं भी बनती है बट ऐसा नहीं है सबकी जो है वो खटकती ही नहीं रहती है ऐसे भी लोग हैं पड़ोसी जो है वो एक दूसरे की मदद कर देते हैं जब एक नॉर्मल सिचुएशन आए तो उस तरीके से आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी फिर आप लोग जो है फैमिली के बारे में बात करोगे धीरे धीरे जो है आपकी कॉन्वर्जेशन बढ़ती जाएगी और उस तरीके से फीलिंग्स जो हैं वो एक स्टेबल तरीके से ग्रो होती जाएंगी आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करोगे लेकिन एक दिमाग में ये भी रहेगा कि हम में डिफरेंसेस भी क्या हैं तो एक जो है वो विलेज एरिया से आता है तो एक जो है वो हमेशा से अर्बन एरिया में रहा है एक का जो है डिफरेंसेस जैसे मैंने कहा कोई एक अलग स्टेट से है तो दूसरा कोई अलग स्टेट से है लेकिन आप लोग जो है वो वहाँ पर ऐसे बातचीत करोगे कि जैसे मान लो वहाँ पर जो है आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है या वहाँ का जो है आ, कह लो कि पिज्जा बहुत अच्छा है या मंचूरियन बहुत अच्छा है तुमने ट्राई किया तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी लेकिन आप लोग जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लग जाओगे स्लो स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन है और क्रिएटिव तरीके से आप दोनों के मन में जो है एक फीलिंग्स जो है वो जागेंगी एक दूसरे के प्रति ये पर्सन जो है वो एरीज हो सकते हैं या टॉरस भी हो सकते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो और केप्रिकॉन की एनर्जी भी यहाँ पर है इनका नाम जो है वो एफ से स्टार्ट हो सकता है टी से स्टार्ट हो सकता है डी से स्टार्ट हो सकता है एस से स्टार्ट हो सकता है और बी से भी स्टार्ट हो सकता है हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा आप अपने मदर से या फादर से या जो भी आपके फैमिली में हैं ठीक है बड़े हैं तो उनसे भी जो है वो बातचीत करोगे कि मम्मा वो जो है एक्स वाई जेड जो है वो लड़का है वो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कैसे जानते हो तो इस तरीके से जो है आप लोगों की भी बातचीत होगी और मदर या फादर या बड़े भाई या बहन जो है घर में वो भी जो है इस इंसान से हेलो हाय तो शुरू हो ही जाएगी ऐसा नहीं है कि एकदम से वो ही हो गया हेलो हाई शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो है फीलिंग्स और आपकी डेवलपमेंट जो है बॉन्डिंग की वो होती जाएगी आप दोनों ही एक दूसरे को एक फैमिली पर्सन की तरीके से ट्रीट करोगे और एक्सप्रेसिव रहोगे एक दूसरे की तरफ और आप दोनों को हो सकता है वीडियो गेम्स खेलना या कोई काम हो ऐसा कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी सेक्टर से रिलेटेड तो उसमें भी जो है एक दूसरे की मदद करो और जिससे आप लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं वो कैसा फील करेंगे या आप कैसा फील करोगे तो पहला आ रहा है सेवन ऑफ कप्स सेवन ऑफ कप्स जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन को भी दिखाता है और ऑप्शंस को भी दिखाता है उस पर्सन को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो ये सोचेंगे कि आप जो है आपके पास इतने ऑप्शन है आप किसी को भी पसंद करोगे तो कोई भी जो है आपको हाँ कह देगा कोई भी मना नहीं करेगा लेकिन मैं ही जो हूँ वो क्यों आपकी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा हूँ या आप भी जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे जो है फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल शुरू हो जाएगी और इस तरीके से होगी कि आप दोनों को खुद ही पता नहीं चलेगा ठीक है ये जो है डिवाइन इंटरवेंशन की तरीके से ही है कि डिवाइन चाहती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाएं नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ है एट ऑफ वर्ण्स क्विक एक डिसीजन को या एक quick, आ, तरीके से एक दूसरे के साथ फीलिंग्स जो है वो आ जाएंगी नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है उनके थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओके और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द डेविल यहाँ पे लवर्स भी आया है डेविल भी आया है दोनों के मन में जो है एक पैशन रहेगा एक इस तरीके की एक अट्रैक्शन रहेगी एक फायरी अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे रहेगी लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स है काम के वजह से या इस तरीके की वजह से जो है आप एक दूसरे को अवॉइड करोगे कि कोई भी आप लिमिट्स या बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है और आप दोनों की वैल्यूज जो है वो काफी हद तक सेम है नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ का है किंग ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा टेम्परेंस नेक्स्ट आ रहा हैंगमैन और नेक्स्ट आ रहा है या पास्ट रिलेशनशिप में, में बहुत अच्छी नहीं जमी थी क्योंकि फाइव ऑफ कप्स आया फिर सिक्स ऑफ कप्स आया ऐसा नहीं था कि बॉन्डिंग नहीं थी लेकिन वो स्टक फील करते हैं या आप स्टक फील करते हो एक इंसान दोनों में से है तो उसको जो है सिक्स ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है मूव करना है अपनी लाइफ से जो भी उसकी प्रॉब्लम्स रही हैं जो भी उसने अपनी लाइफ में देखा है उससे मूव ऑन करोगे अपने आप को स्टेबल रखोगे टेम्परेंस वाली सिचुएशन है इमोशंस को जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस रखोगे फिर जो है एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में आ पाओगे और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है डिसीजन लेना है यहाँ पर ठीक है तो वो जो एक नाइन ऑफ शॉर्ट्स वाली एनर्जी है इसको जो है आगे रिसीव नहीं करना है इस पर आप लगाम लगाओगे और फिर जो है न्यू बिगनिंग या एस ऑफ वॉर्ड्स वाली सिचुएशन में जाओगे एक्शन लोगे कि आपको ये जो है यहाँ पर इस इंसान के साथ आगे जाना है तो सीक्रेट फीलिंग्स जो है वो थोड़े समय रहेगी कुछ महीने लग सकते हैं छः महीने से आठ महीने लग सकते हैं लेकिन धीरे धीरे जो है आप दोनों ही एक दूसरे को रिवील करने लग जाओगे कि आप दोनों के मन में एक्चुअली में क्या है तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है चलिए देख लेते हैं कुछ औरकल कार्ड्स डिवाइन मेस्कुलन या डिवाइन फेमिन नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगी नेक्स्ट आ रहा है ऑनर योर यूनिकनेस और नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी कमिटमेंट और एक और देख लेते हैं फ्रीडम तो यहाँ पे जो है आप दोनों ही एक दूसरे की यूनिकनेस को जो भी डिफरेंसेस हैं उसको एक्सेप्ट करोगे प्रोस्पेरिटी पैसे के हिसाब से मन के हिसाब से मेंटल हेल्थ के हिसाब से उस चीज़ पे भी काम करोगे नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट और फ्रीडम यहाँ पे एक दूसरे को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है जो कि आपके पास रिलेशनशिप में या उस पर्सन के पास रिलेशनशिप में हो सकता है इस वजह से जो है आप दोनों अलग हुए होंगे जो पास्ट पर्सन से है और कमिटमेंट यहाँ पे आ रहा है अगर यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कमिटमेंट में आ पाओ लेकिन आपको एक्शन सही लेने हैं और उस तरीके से आगे बढ़ते जाना है तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे जो है स्टीम इंजन आया है धीरे धीरे ये चीज होगी एकदम से जो है वो स्ट्राइक नहीं करेगा नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया तो हो सकता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर उस चीज का बिजनेस करते हो या फिर केमिस्ट की शॉप पे या फार्मेसी पे मिल जाओ नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है मिरर आया है अपने आप से पूछना है क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर आया है कोई परफ्यूम जैसे मैंने कहा था या हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके की चीजें एक दूसरे को पसंद आएंगी अट्रैक्शन वहां से स्टार्ट होगी नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया है दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे एक स्पिरिचुअल जो है एक इस तरीके का होगा कि रिलीजियस पर्सन है जैसे कि रोज जो भी आपका रिलीजन हो तो मंदिर जाना या जहाँ पे गुरुद्वारे जाना रेगुलरली और एक इंसान जो है वो इस तरीके से जा नहीं रहा है लेकिन उसका एक अपने ही ईश्वर से कनेक्शन है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग पहला आ रहा है आपके लिए सोच लिया राधे श्याम का नेक्स्ट आ रहा है तुम हो रॉक मूवी का नेक्स्ट आ रहा है आई न्यू आई लव यू सेवेज गार्डन का और नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो तमाशा मूवी का तो इस तरीके के गाने जो है वो डेडिकेट करना चाहेंगे इसी तरीके फीलिंग्स आप लोगों के मन में रहेंगी तो ये थी आपकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू